Daiske Tashri Forma, Jandadal Secular K, Tamam Lidana, Buzrugo, Najavan Sati, or Kimao Baino, Sakwa Salam Lake, or Akutulai Bakato. जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि वार्ड नंबर 16 एक लिंगायत कैटेगरी के लिए जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया है और जनता दल सेक्युलर की तरफ से हमारे छोटे भाई जनाब कृष्णा रेड्डी की वालिदा यहां से कॉन्टेस्ट कर रही है. मैं यहाँ से जो कैंडिडेट जो नामजद हुए हैं, मैं सबसे पहले उनके ताल्लुक से ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से वार्ड नंबर 16 से यहाँ से जो है कॉन्टेस्ट करें, बल्कि इस मोहल्ले के जिम्मेदार जिनमें समर्थ भाई हैं, सलीम भाई हैं, जनाब सैयद महबूब पाशा साहब हैं, अहमद कुरैशी साहब हैं, ऐसे तमाम बुजुर्गों ने और नौजवानों ने मिलकर जो है उनसे ये फायदा आया थी कि हमारे वार्ड की जिम्मेदारी आप उठाएं, आप यहाँ से नुमाइंदे बन के जो है हमारे वार्ड में आए, उनको ये जिम्मेदारी देने का मकसद यही था कि तमाम लोग जो इन्हें जानते हैं बेहतर तरीके से, उन्हें ये एहसास भी है कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, हमारे इस वार्ड के जो कैंडिडेट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जबान के पाबंद हैं, जो वो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं. और सबसे खुशी की बात ये है कि तब आप जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे आपको ये महसूस होगा कि वो खवातीन हम में से ही है. उनका सलाम करने का अंदाज, उनका गुफ्तगू का अंदाज, इससे जो है आप कभी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो एक नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम. आपको यही लगेगा कि भाई ये हमारी घर की एक खवातीन है, हमारी घर की बेटी है, हमारी घर की बहू बहन है, हमारी घर की माँ. यही चीज आप फील करेंगे जब आप उनसे जो है, ये बड़ी अच्छी बात उनके अंदर है. दूसरी चीज ये है कि उनमें जो काबिलियत हैं, सलाहियत हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने उनके अंदर दी है, उनमें सबसे बेहतर चीज ये है कि वो तमाम लोगों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, खवातीन हो या बुजुर्ग हो, वो सबको अपना मानकर चलती हैं, किसी के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं करती हैं और उनके दिल में सबके लिए एक हमदर्दी है, एरिया के लिए हमदर्दी है, जो पिछले 8 सालों से हमारे इस वार्ड को, इस एरिया को नज़रअंदाज किया गया, यहाँ के जो डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं किया गया. अब पिछले 1-2 महीने से जो है कामों की शुरुआत हुई है, वो शुरुआत इस वजह से भी हुई कि भी फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए कि भाई अब हम काम कर रहे. आप पिछले 8 साल से सोते रहे, नींद से आप कभी बेदार नहीं हुए. अब 2 महीने पहले आपकी नींद बेदार हुई और अब जो है वार्ड का अब आपको ख्याल आया और आप वार्ड में आके जो है कहीं पे रोड की खुदाई चल रही, कहीं पे नाली का काम चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है. कितना आखिर आप आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे और कितना जो है आवाम के जज्बात के साथ खेलेंगे, ये अब आवाम को सोचना चाहिए कि हम जिनको नुमाइंदा यहाँ से बनाए थे या जिनको हमने यहाँ से चुन के कॉरपोरेशन में भेजाया, उन्होंने हमारे जज्बात के साथ क्या किया, सिवाय हमारे जज्बातों के खिलवाड़ करने के दूसरा कोई काम उन्होंने नहीं किया. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे कैंडिडेट में वो सलाहियत और काबिलियत दी है और वो कभी वायदा खिलाफी नहीं करेंगी. यहाँ के जो भी काम है, जो भी डेवलपमेंट इश्यूज हैं, आज भी इस मोहल्ले में पानी के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं, यूटिलिटी के मसाइल हैं, लाइट का मसाइल है और बहुत सारे
सारे ऐसे जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं आते हैं, मेरे तमाम मसाइल हैं, सिर्फ एक एरिया के कारपोरेटर की जिम्मेदारी एरिया को डेवलप करना नहीं होती, उससे भी मुख्तलिफ बेशुमार ऐसे काम हैं जो एक कारपोरेटर कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम पिछले दफ़े या जिन जिन लोगों को यहाँ से चुन के भेजा है वो या तो नाहिल निकले हैं या फिर इतने ओवर स्मार्ट निकले हैं कि वो ये समझते हैं कि आवाम बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है बना। तो भाई आप लोगों ने 8 साल तो बेवकूफ़ बना ही लिया है, अब और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर आके जो है कुछ प्रोग्राम करके फिर बड़े बड़े जो है आपको लोगों को मिसगाइड करने की बातें ना कीजिए। ये मेरी आपको जो कांग्रेस के जो जितने भी जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है। और रही बात हमारे अपने नुमाइंदे की, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर आप तमाम हज़रात मिलजुल के काम करेंगे, इन्हें अपना भरपूर ताउन देंगे और यहाँ से कामयाब बना कर लाएंगे, तो इंशाअल्लाह जो पिछले कई सालों में यहाँ के एरिए के डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 से 2.5 साल के अंदर मुकम्मल करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और क्योंकि इस मोहल्ले से मेरा अपना ताल्लुक है, मेरा अपना घर यहाँ पे है, जहांगीर खान साहब इसी मोहल्ले के हैं, सैयद महबूब पाशा साहब हैं, समद भाई साहब हैं, सिराज हैं मेरे बचपन के साथी हैं, तो यहाँ के कैंडिडेट की जिम्मेदारी हम तमाम लोग लेते हैं कि अगर आप तमाम हजरात उनको यहाँ से कामयाब कर कर भेजाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ के जो भी मामले और जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह भरपूर उसका जो है जल्द से जल्द जो है उसका हल निकालेंगे। और तमाम आप लोगों को जो है अपने भाई अपने बुजुर्ग हमारे अपने साथियों की तरह जो है हम यहाँ पे काम करेंगे। बस अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं आप तमाम अल्लाह से ये अरमान गुजारिश करता हूँ कि अब आने वाले इस 3 तारीख को जो पोलिंग वाला दिन है आप तमाम खवातीन बुजुर्ग नौजवान तमाम लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है पोलिंग बूथ तक पहुँचे और जनता दल सेक्युलर के कैंडिडेट को जो है यहाँ से भारी अक्सरियत से जो है जिता के लाए। और वो 1 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, सबको मालूम है और हर जगह के कैंडिडेट जो है ना डिक्लेयर हो रहे हैं ये भी सबको मालूम है। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 16 की खुशकस्मती ये है कि अब तक यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ सिवाय कृष्ण रेड्डी साहब के। सब लोग सोच रहे हैं कि किसको खड़ा करना और ये शख्स हम लोगों के बीच आकर अपना सीधा और सर देकर खड़ा हो गया है। और खड़ा होने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर तकरीबन काम को शुरू कर दिया है, जो 18 साल से जो काम रुके हुआ था, जो बोलिंग बंद थी उसको भी चालू किया गया और वॉल लीकेज वगैरह से जो भी थे वो भी कराया गया। और यहाँ पर जो है ना मेरा बोलने का मतलब माइक लेने का वजह ये भी थी कि यहाँ पर भी एक काम बताया गया है, इंशाल्लाह 2 दिन में निजाम भाई इंशाल्लाह 2 दिन में वो भी काम करना स्टार्ट करके हम तकलीफ करेंगे। तरह तरह के लोग आएंगे और तरह तरह के लोगों से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आप लोग उनके बातों में उनके धोखों में मत आइए, क्योंकि हमारे को सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग जो है ना इनको पकड़ के इनके पास जाओ इनको पकड़, ऐसा नहीं। आप लोग जो है ना मुझे यकीन है कि उनका साथ नहीं देंगे और 3 तारीख के दिन जनता दल सेक्युलर को भारी अक्सरियत से जिता कर इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे माँ और बहनों, मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग लोग, आज वार्ड नंबर 16 में जो मौका हमको दिए है कि आप आके इधर कैंडिडेट बनना बोल के अभी हमारे मटपाशा साहब ने बताया, ये वार्ड नंबर 16 का जो कैटेगरी है पीसीबी
कैटेगरी किया गया था। जबकि यहाँ पे नॉन मुस्लिम वोट ही नहीं है तो भी ये लोग बीजेपी कांग्रेस ने इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी कैटेगरी अगर डाल देते अगर कोई पूछने वाला नहीं रहता, कौम का खिदमत करने वाला नहीं रहता बोल के ये लोग पूरा प्लानिंग कर सकते। आज हम जो मैं जो पार्टी जेडीएस सेकुलर पार्टी से 12 साल से मैं ये पार्टी में, मेरे अदनान भैया और जहांगीर भाई ने बताया ये मेरे घर को आते रहते, मेरे भाई से भी बढ़ के फैमिली फ्रेंड से बोले नहीं इस बार माँ को ठहरा करेंगे, मम्मी को बोले बीसीबी कैटेगरी में मम्मी को तैयार करो। मेरे माँ को मैं रिक्वेस्ट किया, मेरे माता जी ने बताया कि तू अकेला सियासत में बेटा बस है, हम लोग को क्या करना है। मैं बोला नहीं, वहां पे काम का खिदमत करना है, वहां पे कैटेगरी आया है। तो माँ बोले कि वहां पे अगर मैं खड़ी होना है तो कमाने के लिए अगर जाना है तो नहीं, काम का खिदमत करने के लिए अगर जाना है तो मैं आगे बढ़ूंगा। आज हम आपके बीच में आए, ये 3 तारीख को इलेक्शन वोटिंग का डेट ऐलान हो चुका है। मैं मेरे माँ और बहनों को यही बोलता हूँ कि हम सेकुलर माइंड से बिलोंग करते हैं, जात का मैं हिंदू हूँ मगर मैं रहना सब कुछ आपके लोगों में ज्यादा है। और ये जो 3 तारीख का जो इलेक्शन होने के बाद में हमको यहाँ जीत कर 5 साल खिदमत करने के लिए आए, हमको जीत के गुत्तेदारी करना या तो ये कॉन्ट्रेक्टर लाइन करने के लिए हमने ऊपर वाले के दुआ से हम वेल सेटल है, बहुत कुछ दिया है भगवान ने, बस ये एक मौका मिला है आप लोगों का खिदमत करने के लिए, मेरे नौजवान भाइयों की खिदमत करने के लिए। आज मेरे नौजवान भाइयों है, कई लोग डिग्री करके चुप बैठ गए, ऐसी इनको कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं 15 दिन से पूरा सर्वे कर रहा हूँ, जो एरिया ना इतना काम पेंडिंग की रहा है। मैं सोचता हूँ सब अगर हम जीत के आए ना, मेरे को 5 साल भी कम लगता है क्या ये चुनाव में बोल के लग रहा है। इंशाल्लाह आप मौका दो 5 साल मेरे वाला के तरफ से, मैं आप लोगों की खिदमत करूंगा। आप 24 आवर्स बाकर फंक्शन के पीछे हमारे घर है, ज्यादा दूर नहीं, हम आपके पड़ोस में ही, आप हमारे घर को आ सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई आना नहीं 24 आवर्स हमारा दरवाजा खुला है। आप भाई समझ के माता समझ के भाई कोई भी आ सकते हैं, काम ले सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी कांग्रेस के पिछले कौन से काम किए नहीं किए उनके बारे में चर्चा करने का ना, अभी कांग्रेस का कैंडिडेट भी आता है वो बीसीबी कैटेगरी का ही कैंडिडेट आता है, वो कैंडिडेट अगर तुम्हारे दरवाजे तक आया उसको ये पूछो तो सलाम करे तो रहमतुल्लाह बनता तो तू बोलना जानता क्या, बोल के पूछो। ये लोग क्या फिर बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट को फिर पुराने जो कांग्रेस में जो लीडर्स है आपके कम्युनिटी के लोग वो लोग ही लेके आए थे ये कैंडिडेट अच्छा है वो। इस बार क्या आप पिछले 5 साल 8 साल जो भी गुजर गए आप लोग देख चुके, एरिया कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप लोगों को डिसाइड करना है इस बार हमारे बीच कौन सा लीडर रहता है उसको वोट देना है, बोलके वो आप लोगों के ऊपर है। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, 5 साल मैं आपके साथ जुड़ के रहता हूं, कौन से भी पार्टी आप MIM आता कांग्रेस आता जो भी आते हैं उनका उनको ठहरने का हक है, वोट पूछते हैं। मगर आप लोग सोचो 3 तारीख तक अभी आपको टाइम है, हमारे बीच कौन सा बंदा कौन सा कारपेट अगर ठीकेगा उसको हम पूरा वन साइड आउट करते हैं बोल के आप लोग डिसाइड करना है। और ये कारपोरेटर का जो पावर है, कारपोरेटर का जो कारपोरेशन में जो पावर होता है ना, ये एरिया सुधरने के लिए उसको एक लीडर बनाया जाता है। आप लोग जो कीमती वोट आप एक एक वोट आप डालते हैं कारपोरेटर जीतता है उसको एरिया में जीतने के लिए आवाम का खिदमत करने के लिए आप लोग चुन के लाते हैं वो आवाम। आप लोग कॉर्पोरेट को ये नहीं बोल रहे कि हमारे घर चला हुआ हम भूखे बोल के, आवाम में बहुत ताकत है खुद का घर को चला सकते हैं। आवाम इतना ही पूछ रहा है कि जो नाली का प्रॉब्लम है लाइट का प्रॉब्लम है जो एरिया में मसले हैं वो हल करने के लिए यहाँ पे हमारा एक जिम्मेदार लीडर चाहिए बोल के आवाम पूछ रहा है। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ
अल्लाह के फर्म में इस वास्ते मेरे को आप लोग मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे बोल के मैं आपके साथ 5 साल जुड़ के रहूंगा बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। देखो 3 तारीख को वोटिंग है, 6 तारीख को क्या करना है आपको? 6 तारीख को नारायण तबके नारायण तबके 6 तारीख को बोलना है आपको।